जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है उनका क्लासिफिकेशन है कि अलग अलग जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने अलग अलग बेसिस के ऊपर कुछ किसी क्लास को किसी के अंदर रखा, किसी क्लास को किसी के अंदर रखा, तो कौन कौन से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जिम्नोस्पर्म जो प्लांट है उनका क्लासिफिकेशन किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रॉबर्ट जो ब्राउन है उन्होंने एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उनसे अलग रखा था जिम्नोस्पर्म प्लांट को। पहली बार इन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके अंदर नेक्ड ओव्यूल बनते हैं, यानी कि ओव्यूल जो होते हैं वो ओपनली प्रेजेंट रहते हैं प्लांट में। फिर आता है बेंथम और हुकर। बेंथम और हुकर ने क्या किया कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं इनको जब क्लासिफिकेशन किया तो डाइकोट और जो मोनोकोट प्लांट थे उनको बीच में इनको रख दिया जिम्नोस्पर्म प्लांट को, और बताया कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं इनकी भी तीन क्लास होती है तो इनको तीन क्लास में और डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी क्लास है वो देखो, साइकेडिएसी, एक है कोनिफ्रेसी, दूसरी है निक्टेसी। ये तीन क्लास होती हैं जिम्नोस्पर्म प्लांट की, ये बताया था बेंथम और हुकर ने। फिर आते हैं सेवार्ड। सेवार्ड जो हैं इन्होंने जिम्नोस्पर्म प्लांट को वुड की स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासीफाई किया। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि जो वुड होती है वो किस किस टाइप की होती है, एक होती है मोनोजाइलिक वुड, एक होती है पिक्नोजाइलिक वुड। तो मोनोजाइलिक की वुड के अंदर इन्होंने तीन ऑर्डर रख दिए, कौन कौन से थे, साइकेडेल्स, साइकेडियोडेल्स है और साइकेडोफिलिकेल्स। इन तीन ऑर्डर को रखा इन्होंने मोनोजाइलिक वुड वाले के बेस के ऊपर। फिर आती है पिक्नोजाइलिक वुड, किस किस प्लांट में होती है पिक्नोजाइलिक वुड, कॉर्डिटेल्स होती हैं, गिंकोगेल्स होती हैं, कॉनिफ्रेल्स और निटेल्स है। ये जो चार ऑर्डर थे इन सभी, इनके अंदर जो भी प्लांट आएंगे उनमें पाई जाती है पिक्नोजाइलिक वुड। तो जो वुड है उसके बेस पर इन्होंने सिवार ने क्या किया था, प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था। एक बार वापस से देखें कि जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने सबसे पहले नेक्ड ओव्यूल प्लांट को देखा था, इसलिए इन्होंने क्या किया कि कुछ जो प्लांट हैं उनको एंजियोस्पर्म से अलग रखा। सबसे पहले रिकॉग्नाइज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर आते हैं बेंथम और हुकर। बेंथम और हुकर ने क्या किया कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं उनको मोनोकोट और डाइकोट के बीच में रखा, और जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं इनकी तीन क्लास बताई इन्होंने, कौन कौन सी है, साइकेडिएसी, कोनिफ्रेसी और निक्टेसी। फिर आते हैं सिवार्ड। सिवार्ड ने किया था वुड की बेस के ऊपर वुड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो एक होती है मोनोजाइलिक वुड, एक होती है पिक्नोजाइलिक वुड। तो मोनोजाइलिक जो वुड होती है इसके बेस पर इन्होंने तीन ऑर्डर दिए थे, साइकेडेल्स, साइकेडियोडेल्स और साइकेडोफिलिकेल्स। पिक्नोजाइलिक वुड किस किस के अंदर होती है, कॉर्डिटेल्स, लिंगोगेल्स, कोनिफ्रेल्स और निक्टेल्स। फिर आते हैं सहनी। तो सहनी ने क्या बताया कि किसके बेस पर क्या, उन्होंने बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ ओव्यूल, कि जो ओव्यूल है वो कहाँ पर लगते हैं। हमने देखा था कि जो मेगा स्पोरोफिल होती है उसके ऊपर जो ओव्यूल हैं वो ओपनली प्रेजेंट रहते हैं, ये लास्ट लेक्चर में कवर किया था। तो उन्होंने क्या किया कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं उनको दो सब डिविजन में डिवाइड किया, कौन कौन से थे, एक तो था फाइलोस्पर्मिया, एक है स्टिकियोस्पर्मिया। फाइलोस्पर्मिया का मतलब क्या है, जो सीड होते हैं वो किस पर लगते हैं, लीव्स के ऊपर, फाइलो मतलब लीव्स, स्पर्मिया यानी सीड, और इसके अंदर स्टैकियोस्पर्मिया का मतलब क्या होता है कि जो सीड है वो स्टेम पर लगते हैं। स्टैकिया मतलब होता है स्टेम और स्पर्मिया यानी सीड। कि स्टैकियो जो स्पर्मिया होता है इसके अंदर जो सीड होते हैं वो स्टेम के ऊपर लगते हैं, और फाइलो जो स्पर्मिया होता है उसके अंदर जो सीड है वो लीव्स के ऊपर लगते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि जो फाइलोस्पर्मिया है इसके अंदर तीन ऑर्डर रखे, कौन कौन से हैं वो, साइकेडोफिलिकल्स, साइकेडल्स और बेनिटियल्स। और स्टैकियोस्पर्मिया जो है इसके अंदर रखा था कॉर्डिटेल्स, गिंगोगेल्स, कोनिफ्रेल्स और टैक्सेल्स। अब इन्होंने काफ़ी सारे, क्योंकि जिम्नोस्पर्म जो प्लांट हैं उसके अंदर अगर देखें तो जो फॉसिल प्लांट थे वो ज़्यादा मिले थे, तो जब साइंटिस्ट जो है वो क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो ये किसी ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग ग्रुप और अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया इन्होंने। तो कुछ अर्ली जो प्लांट हैं जिम्नोस्पर्म के, तो वो क्या करते हैं कि जो टेरिडोफाइट प्लांट हैं उनसे सिमिलरिटी रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं वो टेरिडोफाइट से आए हैं। तो अभी आगे देखते हैं, ये सभी जो क्लासेज वगैरह उठ रहे हैं आपको याद नहीं रखनी, ये केवल आपको समझाने के लिए बताया। अभी जो अगला क्लासिफिकेशन देखेंगे उसके अंदर जो क्लास और ऑर्डर हैं वो याद करेंगे। हमने देख लिया कि सहनी का क्लासिफिकेशन देख लिया, उसके बाद में अब देखते हैं बियर होस्ट का। तो बियर होस्ट ने क्या किया कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं उनको तीन क्लास में डिवाइड किया और उसके उसमें 11 ऑर्डर बताए थे।
तो आप देखो कि जो तीन क्लास हैं, इन तीनों क्लास के अंदर उन्होंने कौन कौन से ऑर्डर रखे थे। ऐसा नहीं है कि जो बियर होस्ट हैं ये इन्होंने पहली बार जिम्नोस्पर्म प्लांट को तीन क्लास के अंदर डिवाइड किया था। इससे पहले काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन आते हैं, पंत का आता है और टिपको का आता है, आर्मोल्ड का आता है, तो आर्मोल्ड ने भी तीन क्लास में डिवाइड किया था इन जिम्नोस्पर्म प्लांट को। तो सभी के सभी क्लासिफिकेशन जो है हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, जब अपन एक एक प्लांट देखते जाएंगे तो उनके साथ साथ ये सभी नाम अपने को याद हो जाएंगे। तो आप देखो कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है इनकी फर्स्ट क्लास आती है साइकोडोप्सिडा। साइकोडोप्सिडा तो इसके अंदर कौन कौन से ऑर्डर आते हैं, टेडो स्पर्मेल्स, साइकेडेल्स, साइकेडियोइडेल्स आती है और साइकोडोनियल्स आती है। फिर देखिए अपन कॉर्निफेरोप्सिडा, कॉर्निफेरोप्सिडा में कौन कौन आता है, कॉर्डिटेल्स आते हैं, कॉर्निफेरेल्स आते हैं, टैक्सेल्स आते हैं और गिंकोगेल्स आते हैं। फिर आता है निट्टोप्सिडा, तो निट्टोप्सिडा के अंदर कौन कौन आता है, इफिड्रेल्स आता है, निट्टम आता है, वेलविट्स आते हैं। ये सभी के सभी ऑर्डर जो हैं इनके अंदर जो अपने एग्जाम ऑफ यू से इम्पोर्टेंट होंगे उन सभी प्लांट को अपन इनके डिटेल देखेंगे अच्छे से कि हर एक प्लांट जैसे ऑर्डर हो गया तो कौन से में साइकस आएगा, पाइनस, इफिड्रा हो गया, वेलविट्स या टेक्सस, ये एग्जाम के तौर पर अपने लिए इम्पोर्टेंट। तो इनके अपन जितने भी करेक्टर होंगे, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस कुछ भी होगा, स्टेम की एनाटोमी हो गई, लीफ की हो गई, रूट की एनाटोमी, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो सभी अपन कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।